हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट मिक्स। और ये देखने में तो जितनी अच्छी लगती है आप देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन ये खाने में भी बेहद टेस्टी लगती है। जैसे ये देखने में अच्छी लगती है, वैसे ही खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में आपकी चॉकलेट बनकर के तैयार हो जाएगी। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको पता ही है, सभी के बच्चे चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप होममेड चॉकलेट खिलाएं अपने बच्चों को तो काफ़ी अच्छी होती है। वैसे तो मार्केट में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ब्रांड आ चुकी हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं वाइट कंपाउंड है, ये नेट क्वांटिटी इसकी 400 ग्राम है। और ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, किसी भी बेकरी से, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं इसको। तो फटाफट से हम अपने वाइट कंपाउंड को मेल्ट कर लेंगे और मिल्क कंपाउंड को भी मेल्ट कर लेंगे। मैंने पानी कुकर में गर्म कर लिया है और इस पैकेट को मैं उसमें डिप कर दूँगी। थोड़ी देर में हमारा कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए मैं ऐसे ही इसको मेल्ट कर रही हूँ, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो इतनी आसानी से ये मेल्ट नहीं होता है। ये गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी नहीं है, लेकिन एक हल्का सा गर्म है जिससे कि हमारा कंपाउंड मेल्ट हो जाए। आधा मिनट के लिए इसको इसी में छोड़ देंगे और आधा मिनट बाद देखेंगे आप तो आपका कंपाउंड एकदम मेल्ट हो जाएगा। आधा मिनट हो गई है और हमारा कंपाउंड अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम लिक्विड बन गया है ये। तो फटाफट से बना लेते हैं अपनी चॉकलेट। और मैंने इसको यहाँ से हल्का सा कट दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास है चॉकलेट मोल्ड और हम अपना कंपाउंड, मेल्ट कंपाउंड इसमें डालेंगे, धीरे धीरे फिल करेंगे इस तरीके से, आधा आधा फिल करेंगे। और आधे में हम मिल्क कंपाउंड डालेंगे क्योंकि हम इसको मिक्स बना रहे हैं, दोनों तरीके की, वाइट और मिल्क। तो सारे इसी तरीके से हम फिल कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर मिल्क कंपाउंड अप्लाई करेंगे। मैंने वाइट चॉकलेट फिल कर लिया है इसमें, अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट को भी मैंने इसी तरीके से मेल्ट किया है जैसे कि मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस पर मिल्क चॉकलेट भी अप्लाई कर दी है और ये मिक्स चॉकलेट होगी, वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। तो फटाफट से इसको हिला देते हैं थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर होती है अंदर वो निकल जाएगी और आपकी चॉकलेट एकदम बढ़िया जमेगी। फ्रेंड्स, आप एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप कंपाउंड को मेल्ट कर रहे हैं तो आप भगोना या पतीला में डाल करके कढ़ाई गैस पर फटाफट से ना रखें, पहले पानी गर्म करें और पानी के ऊपर उस कंटेनर को जमाएं जिसमें आप मेल्ट करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट रख देंगे तो आपका कंपाउंड जल जाएगा और आपकी चॉकलेट ख़राब हो सकती है। चॉकलेट से फिल मोल्ड को हम फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारी चॉकलेट परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी। मोल्ड को मैंने फ्रिज में रख दिया है 5 मिनट के लिए और फ्रिज बंद कर देते हैं। 5 मिनट बाद चेक करेंगे हमारी चॉकलेट बन करके तैयार हुई है या नहीं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी चॉकलेट बन करके तैयार है, यानी कि जम गई है। अब इसको फटाफट से मोल्ड से निकाल लेते हैं। या आप थोड़ा देख रहे होंगे, ये जैसे मैंने ट्रे को फ्रिज में रखा तो वो हल्की सी हिल गई मेरे हाथ से, तो उसकी वजह से थोड़ा ऐसे हो गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी जब मैं इसको निकालूंगी तो आप इसको देखेंगे कि ये देखने में कितनी सुंदर लगती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मोल्ड को खाली कर लिया है और इधर आप देखेंगे तो सारी चॉकलेट हमारी बन चुकी है और कितनी सुंदर लग रही है। आप चॉकलेट देख सकते हैं, अंदर से ये मिल्क वाली है और ऊपर से ये वाइट वाली है, कितनी सुंदर लग रही है। जितनी देखने में सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है। अभी मैं इसको रैपिंग शीट में भी रैप करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं और कुछ आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। और ये रैपिंग शीट काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है फ्रेंड्स, तो आप अगर इसको स्टोर करके रख लें, क्योंकि मुझे स्टोर करके रखना है इसको फ्रिज में, तो मैं इसको रैप करके तब रखूँगी क्योंकि गर्मी का मौसम है और रैप करने से भी अच्छी लगती है और रैप करके रख जाएगी तो ये इसके ऊपर फ्रिज का जो सीलन टाइप होती है वो नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मिक्स चॉकलेट बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि आप ऊपर कौन सी वाली चॉकलेट अप्लाई करेंगे और नीचे कौन सी वाली अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस तरीके से अप्लाई कीजिए और बनाइए, खाइए। और अपना एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए। अगर इस रेसिपी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।